तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। ये भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो रामभक्ति है ना। देखिए ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें। क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया? कहाँ आया है? कौन सा प्रमाण है? कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मांसाहारी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विधि विधान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति उस दिन नहीं करता। मंदिर में भी जाना है और तो मांसाहार किया है तो व्यक्ति विशेष टाल देता है मंदिर जाना। क्या ये भी वो भूल गए? उनके इस बयान से देश के करोड़ों करोड़ों साधु संतों को, महंतों को, उनकी आत्मा को, दिल को क्या लगा होगा? बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। खैर उद्धव ठाकरे तो अब वो पुराना वाला रहा ही नहीं उनका, कोई मातोश्री दो बन गया, अब तीन कब बनेगा उसकी उनको पड़ी है, परिवार को कैसे राजनीति में सेट करे उस बात की उनको पड़ी है। पर इस तरह के स्टेटमेंट बार बार दिए जाते हैं जितेंद्र तवाड़ की तरफ से, हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, लगातार कुछ महीने पहले भी उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे राम मंदिर हिंदुत्व को लेकर, हनुमान जयंती को लेकर, क्या कहेंगे? उनकी ये मोडस ऑपरेंडी है, ये सोची समझी उनकी राजनीति है, उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो, और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। आज एफआईआर दर्ज करने वाले हैं आप, उनको लगातार स्टेट में हमने भी देखा कि बीजेपी और भी प्रोटेस्ट कर रही है जितेंद्र और को लेकर। नहीं, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर भी दर्ज होगा, उनसे माफी भी मंगवाएंगे, और ये बात सुनिश्चित और स्पष्ट हो गई है कि चाहे वो शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, 22 जनवरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं है।